नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में, एक ऐसी सीट जो कि सुपर हॉट सीट मानी जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद अभय चौटाला चुनावी मैदान में आते हैं और फिर बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद नवीन जिंदल को भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। आखिरकार कुरुक्षेत्र पर इतनी नजरें क्यों हैं, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन हमेशा से ही इस सीट पर निगाहें हर पॉलिटिकल पार्टी की रही है। आज बीच बाजार हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से INDIA गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर अभी तक पर। सुशील गुप्ता जी, जो रहा है आपकी चुनावी, वो कितनी मुश्किल कितनी आसान लग रही है लोगों के बीच आप जा रहे हैं? आज कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का पूरा आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन का हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के स्वागत करता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर हर गांव में हर क्षेत्र के लोग बहुत प्यार के साथ शुभकामनाएं दे रहे हैं और बदलाव चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है उसको खुद प्रधानमंत्री ने कोयला चोर कहा, उसको खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला इन्होंने खाया है। उनके ऊपर FIR लिखी गई, ED के मुकदमे दर्ज करे गए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि किस मुंह से हम इनको ईमानदार कहें, पहले कोयला बनाए कोहिनूर कैसे बनाए। ये स्थिति आज इंडिया गठबंधन के हर साथी की है। आपसे निवेदन करने के लिए आ गए। इंडिया गठबंधन चाहता है कि आज पूरा का पूरा क्षेत्र, मैं आपसे निवेदन है। जी, आप बात कर रहे थे बीजेपी की और INDIA गठबंधन की, बदलाव की आप बात करें सुशील गुप्ता साहब, लेकिन बदलाव इतना आसान आपको नजर आ रहा है क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी ने खूब हाथ आजमाए हरियाणा में लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। आज हाथ आपके साथ है, कितने मजबूत आप होंगे? देखिए, हर गांव के अंदर हमारी कमेटी बनी हुई, हर बूथ के ऊपर हमारी कमेटी बनी हुई है। कांग्रेस के मजबूत हाथ और झाड़ू का साथ दोनों मिलके कमल को करेंगे साथ। हाथ में झाड़ू, हाथ को ने मजबूती से झाड़ू को पकड़ा और कमल की सफाई बहुत आसानी से उसे हो। लेकिन इसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है और आम आदमी पार्टी से बेहतर रणनीति कौन बना सकता है, जबकि दिल्ली में आपको आपके जो पॉलिटिकल विरोधी है पछाड़ नहीं पाए, लेकिन हरियाणा में इतनी मुश्किल क्यों हुई? अगर मैं बात करूं पिछले 5 से 10 सालों की और अब आपको क्यों हाथ की जरूरत पड़ी, ये भी तो बता दीजिए। आप अकेले लड़ सकते थे, 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ सकते, परंतु आज जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संविधान को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, वोटों की चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। आज चलते चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, चलते चुनाव के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, चलते चुनाव के बीच में कांग्रेस के खाते सील किए। भारतीय जनता पार्टी बराबर का मैदान नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि रसिया की तरह चाइना की तरह कुछ लोग ही चुनाव के मैदान में रहें, बाकी पार्टियां चुनाव के मैदान में ना रहें। ये स्थिति ठीक नहीं होती। हिंदुस्तान का लोकतंत्र हिंदुस्तान की खूबसूरती है, उस लोकतंत्र को अगर कोई तबाह करेगा तो हिंदुस्तान की जनता उसको तबाह नहीं करने देगी। इन तक पहुंच पाना आसान है, मुश्किल? मैं बोलता हूं, जिस तरह से गुस्सा जाहिर करते हैं। जी जी, मैंने बुलाया था वो भाई साहब, अगर भाई उरा मक्का ऐसी अपना दफ्तर, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, ओलंपिक के मैं इंचार्ज हूँ 2006 से। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ, अब आप बता दीजिए गुप्ता साहब खुद आपके पास आ गए, खुद मिलने आए। आपका दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए इन्हें मां नहीं मिलने की जरूरत नहीं, हम नहीं मिलने की जरूरत है। तो अब की बार क्या मूड है, क्या अंकल जी क्या मूड है यार, पूछने की बात है, बताइए बता दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, मैं तो इसका हूँ, मैं जिंदल के ऑफिस में 5 साल बैठा, एक पैसा नहीं दिया और इतने काम करे बहुत ज्यादा, लेकिन आउट चला गया ना, हमारा कुछ नहीं लागदा। धन्यवाद, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। मैंने तो मेरा तो घर आवे सीधा हो, लेकिन अब वो एंट्री बिल्कुल बिल्कुल। तो गुप्ता साहब,
ये कांग्रेस आप देख सकते हैं, ये जानते हैं कि आप अब उनके साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप पर जिम्मा पूरे हरियाणा का, आम आदमी पार्टी का, अभी तो आम आदमी पार्टी मदद ले रही है हाथ की कांग्रेस की, आपको भी उनको मदद दे रहे हैं। मैं रोहतक के अंदर मीटिंग करके आया हूँ, जैसे जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी फाइनल होंगे मैं उनकी मदद में जाऊंगा। जी भाई साहब आपसे निवेदन है। अच्छा कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है इस सरकार में, मौजूदा सरकार? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। आने वाले वक्त में उम्मीद क्या लगती है आपको, आम आदमी पार्टी से लगती है, कांग्रेस पार्टी से लगती है, या फिर बीजेपी ठीक है? यही पार्टी ठीक है जी। ठीक है, हाँ। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ, आपके सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। गुप्ता साहब जी, जब लोगों तक पहुंचना होता है तो इतना आसान नहीं रह गया, सोशल मीडिया बेशक है, लेकिन फिर भी ग्राउंड तक जाने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, कहां कहां जा रहे हैं? मैं घर घर जा रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, एक दिन के अंदर 20 गांव में लगभग कवर करता हूं। आपसे निवेदन है झाड़ू को वोट दें। बिल्कुल क्लासी सही बात है जी जी जी। तो पूरा गाँव गाँव जा रहा हूँ, लगभग एक दिन के अंदर मैं 20 गाँव कवर करता हूँ, शहर के वार्ड कवर करता हूँ, हर रोज हजारों लोगों से मिलता हूँ और मिलकर उनसे प्रार्थना करता हूँ। 20 गांव और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले दिनों जो हुआ वो पूरे हरियाणा कोई बात नहीं, जो लाठी मारते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, एक मिनट जनाब जी, आपने ध्यान रखना। अंकल जी क्या समस्या क्या रहती है, जो मुद्दे हैं आपके वो क्या रहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि सांसद अगर बने तो आपके क्या काम करें? समस्या है जी, जो हमारे संसद बन गए निवार हाल हो जाएगी सारी। कैसे हो जाएगी? सारी करेंगे, काम करेंगे, ये समाज के अंदर रहकर सारा काम करेंगे। यहाँ आम आदमी रहेंगे या खास हो जाएंगे? ये तो दूर नहीं होने जी, यही चक्कर मारते रहोगे, पूछते रहोगे, समस्या हमारी मतलब हल हो जाएगी। बातचीत करने के लिए जी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो? ठीक है। लेकिन एक सवाल और भी आप पर विपक्ष उठाता है, जैसे इन्होंने कहा कि हाल चाल तो पूछते रहेंगे, वो कहते हैं कि ये तो बाहरी हैं, बाहर से आ गए, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वा दिया, ये हमेशा आप पर सवाल। मैं दो बात बताता हूँ, तीन कैंडिडेट हैं यहाँ पे और सबसे नजदीक का रहने वाला मैं हूँ। मेरा आप डिस्टेंस भी बता दीजिए, कैथल लोकसभा से, कैथल से आधे घंटे का रास्ता है, ठीक है, और जहाँ तक बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हिसार से हैं, और हिसार में भी नहीं, वो विदेश में ज़्यादा रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर किसी के पास नहीं है, कोरोना फैला तो वो नहीं आए, बाढ़ आई तो वो नहीं आए, किसी की शादी में पिछले 10 साल में वो नहीं आए, किसी की मौत हो गई तो वो बैठने के लिए नहीं आए, तो वो कैसे नज़दीक हो सकते हैं? मैं कुरुक्षेत्र के अंदर 18 मंजिल का मंदिर बना रहा हूँ, जब बाढ़ आई कुरुक्षेत्र के अंदर तो इतने इतने पानी के अंदर मैं घूम रहा था, मैं खुद घूमा था, खुद मैंने राहत सामग्री बैठी थी, मेरे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, नहीं तो मैं आपके पास भेज दूँगा। तो मैं तो उस समय सांसद नहीं था, परंतु मैं हरियाणा का अध्यक्ष था, हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते मैं सांसद था दिल्ली से, हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूमता था, कुरुक्षेत्र में भी घूमता था, कैथल के अंदर भी घूमता था, पुंडरी में भी था, तो कलायत में भी था, परंतु जिंदल साहब तो 10 साल सांसद रहे और गायब हो गए। अभय चौटाला जी बीच में क्यों आ गए आपके? अभय चौटाला जी और बीजेपी की क्या बात है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है उनकी, क्या खास बात नहीं है। ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है सुशील गुप्ता साहब को वो नुकसान ना पहुंचा दे? नहीं कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से परिवार गठबंधन करता है, किस प्रकार से परिवार बीजेपी के वोट के लिए काम करता है, तो इस क्षेत्र की जनता इस बात को बखूबी समझती है। इनेलो को लेकर आपके गंभीर आरोप नहीं है? आप बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, वो कांग्रेस को ऐसे बोलते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है, ये समझ से परे है कि वो क्या राजनीति में? जब राज्यसभा का चुनाव हुआ यहाँ से तो उन्होंने बीजेपी को वोट दी, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी को वोट दी, तो ये तो एक स्पष्ट है, अगर उनकी वोट बीजेपी के खाते में जाती है तो ये वोट भी उनकी बीजेपी को जाएंगी, अगर 1% कहीं से उनको कामयाबी मिलती है। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी, आपके लिए झाड़ू के निशान पे मैं खड़ा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी है आपके पास। अरविंद केजरीवाल को जानते होंगे आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री को? हाँ जाना जी, अच्छा जानते हैं आप? हाँ जाना, तो आप जाना अच्छी तरह। अच्छा अच्छा, तो लगता है आपको ये आपके काम करवा पाएंगे?
हाँ करवाओगे नहीं? अच्छा करवाएंगे, कई बार घर भी जाए हो यार। अच्छा चलिए, अब ऐसे में एक बात और साफ कर दें, आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट्टर ईमानदार आप अपने आप को कहते हैं, अब अरविंद केजरीवाल की जो इमेज बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि कट्टर ईमानदार ये अपने आप को कहते थे और आज देखिए जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हारता नहीं है, ये आज आपके पास बड़ा पॉइंट आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1,500 अफसरों ने 1,000 जगह से ऊपर रेड मारी और 25 पैसे भी रिकवर नहीं किए, तो क्यों जेल में रखे हुए हो? षड्यंत्र मानते हैं आप राजनीतिक षड्यंत्र? जिसने जिसके केस के जिसकी गवाही के दम पे अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है, वो ओन रिकॉर्ड उसने बीजेपी को चंदा दिया है, जेल में जाने के बाद दिया है, ईडी ने सेटिंग कराई है। वो इस देश में क्या ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाएगी उसको जेल में डाल देंगे, कुछ भी चाहेंगे? आज तो भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। देखिए, दो सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के अलावा, महाराज जी थोड़ी देर के लिए, जेल में डालने के अलावा उन्होंने कांग्रेस के खाते सील कर दिए। नमस्कार, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस के खाते उन्होंने सील कर दिए, तो अगर एक गेम के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र का हत्या करने वाली बात ही है। ये पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। यूपीए की सरकार हुआ करती थी तब भी आरोप लगते थे, कभी 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 इस्तेमाल करने के आरोप, कभी सीटिंग मुख्यमंत्री को जेल के अंदर नहीं डाला गया, और वो भी चुनाव के बीच में, और वो भी दो दो मुख्यमंत्रियों को, कभी किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चलते चुनाव के बीच में खाते सील नहीं किए गए। ये देश के पीछे क्यों पड़ गए? केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि गठबंधन में वो चाहते थे गठबंधन टूटे, और ये भी चाहते थे एनडीए में शामिल हो, ये भी चाहते थे। देखो, चाहते थे, परंतु उनकी चाहत पूरी नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ना डरेगा ना झुकेगा, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकते। नमस्कार, नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, इंडिया का गठबंधन को दे वोट, झाड़ू का बटन दबाएं, मिलेगी? धन्यवाद, धन्यवाद सर। अब एक सोच मैं भी बताता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में आपके सामने थी तब वो सोच क्या थी जब आप कांग्रेस पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगाते थे, आज साथ में आ गए तो क्या सब कुछ सही? मैं कह रहा हूँ, मैं जनता की छोटी मोटी बातें, मतभेद कभी भी सुलझाए जा सकते हैं, परंतु जब बात देश के लोकतंत्र पे आए, जब बात देश के संविधान पे आए, तो अपने छोटे मोटे मतभेदों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र, ये बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। अगर इस लोकतंत्र को कोई खराब करेगा तो सारा विपक्ष इकट्ठा है। 2004-2009 कांग्रेस के नाम, अब कुरुक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद ऐसा कैसे? आप, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपने ध्यान रखना है, झाड़ू का बटन कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए? टेलीविजन है, धन्यवाद। 2004-2009 उसके बाद मोदी सरकार आई, मोदी का चेहरा चमका, मोदी लहर बताई गई, 2019 में भी ठीक हुआ, ग्राफ कम नहीं हुआ 2019 में, बड़ा 24 की चुनौती बड़ी है आपके लिए। इधर नायब सिंह सैनी जो सांसद थे यहाँ से वो मुख्यमंत्री बना दिए। नायब सिंह सैनी जो अपनी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वाया और चौथे नंबर पे आया, वो चुनौती है? उसको 10 सीट जीतने के लिए कमांडर बनाया, मोदी का चेहरा तो चुनौती है? मोदी का चेहरा कहाँ चुनौती है? मोदी ने यही नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, मोदी ने यही पे 1,86,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाया था, यही पे मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई मेरी गारंटी है। कहाँ गई उनकी गारंटी? उसी कोयला चोर को यहाँ पे ले आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो देश का प्रधानमंत्री है, उनकी वीडियो चल रही है जगह जगह, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो कोयले का कोहिनूर कैसे बनाए, वो चोर का सिपाही कैसे बनाए, कैसे घरों में जाए उसके लिए वोट मांगने के लिए। अब ये बातें तो चलती रहती है, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहता हूँ। अब जातिगत समीकरण की बेशक खुलकर बात नहीं होती है, लेकिन अंदर खाते बहुत बात होती है, आप ये भी जानते हैं, और जाते हैं हमारे साथ। अब ऐसे में आप जिस समाज से आते हैं, जिंदल साहब भी आते हैं, ये आपको लगता है कि इसी सोच के साथ बीजेपी ने काम किया? हमारे समाज में जबान की कीमत होती है, कहते हैं बनिए का थूक बिकता है। ये जिंदल साहब ने सबको मना किया था कि मैं चुनाव कुरुक्षेत्र से नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, और वो कह के मुकर गए।
कुरुक्षेत्र की जनता ने उनसे पूछा, क्या ईडी का डर इतना है कि अपनी जबान भी बनिए खराब कर दे? ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आदमी अपनी जबान पे नहीं रह सकता तो उसका कहाँ अस्तित्व है? क्या वो आज कह सकते हैं आपके टेलीविजन पे कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, मैं कोयला चोर नहीं हूं? अगर नहीं कह सकते तो वो कोयला चोर है? आप उनसे पूछिए क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। वो कहते हैं मेरे को न्याय प्रणाली पे विश्वास है। उनकी हिम्मत नहीं है कहने के झूठ बोला था कि सच बोला था। अगर हिम्मत नहीं है तो जनता का नेतृत्व कैसे करेंगे? जनता की समस्याओं का कैसे रखेंगे? संसद में क्षेत्र की आवाज को कैसे ऊंचा करेंगे? लोगों के बीच में वाकई में संदेश जा रहा है कि उनको तो षड्यंत्र के तहत अंदर किया गया जेल में, 100% साहब की पार्टी और उन पर भरोसा जता रहा है चुनाव से रोकने के लिए। इस शराब नीति की जरूरत क्यों पड़ी? उस शराब नीति में 50 आदमी मर गए थे। उस शराब नीति में तो प्रॉफिट हुआ है सरकार को। उस शराब नीति में जो आरोप लगा रहे हैं, आज तक 25 पैसे नहीं मिले। आरोप जिसने लगाया, जिसके बयान पे अरविंद केजरीवाल को अंदर गया, उसके कितने करोड़ रुपए आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को गए, सबके सामने है। पहले उसने मना किया कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, फिर ईडी ने बीजेपी से सेटिंग कराई, बीजेपी को चंदा दिया, उसके बाद उसको जमानत मिल गई और वो विदेश में घूम रहा है और अरविंद केजरीवाल जेल में। ऐसा कैसे? एक ही तराजू में अलग अलग इंसाफ के बट्टे कैसे? कितना बड़ा झटका मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो नेतृत्व कर रहे थे पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज जेल में है? देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, प्रचार भी ये करने कोई झटका नहीं है। ये झटका है कि वो ना डरे, ना झुके, ना बिके। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दर्द दिखाता है कि वो अरविंद केजरीवाल से डर गए और उनको जेल के अंदर डाला। संजय सिंह साहब जेल से बाहर आ रहे हैं जमानत पर, आपका चुनाव उठेगा, माहौल बनेगा आपको लगता है? हाँ, सत्य आखिर में जीतती है। कब तक जेल में रखेंगे? इस सरकार के 2 महीने और बचे हैं, ये सरकार जा रही है। अब अफसर भी इस बात को समझने लगे हैं कि सरकार जा रही है। ये जो जबरदस्ती की है वो जबरदस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। और संजय सिंह का, इसीलिए संजय सिंह की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने विरोध नहीं किया। नमस्कार। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर यहाँ पर जो आपके रूप में हम आपको देख पा रहे, जनता देख पा रही कुरुक्षेत्र की, आप पर भरोसा क्यों जताए? किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में जो विधानसभा आती है, पुंडरी में हम इस समय मौजूद हैं, उनके मुद्दे क्या है? आज तक कुरुक्षेत्र की 9 विधानसभा, थानेसर, लाडवा, रादौर, शाहबाद, पेवा, गुलाचिका, कलायत, पुंडरी, कैथल, एक बार भी संसद में इनका नाम नहीं आया। एक बार भी संसद में इनका नाम नहीं लिया गया। एक बार भी पेवा से लेके यमुनानगर तक जो नेशनल हाईवे है उसको 4 लाइन बनाने के लिए जनता परेशान है, अच्छा परेशान नहीं हुआ। लाडवा का बाईपास बनाने के लिए जनता परेशान है, नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए जनता परेशान है, नहीं हुआ। फलक ऋषि से फरल गांव जहाँ पे पिंडदान होता है, सबसे बड़ा तीर्थ है यहाँ पुंडरी विधानसभा में जहाँ हम खड़े हैं, उसके विकास के लिए 1 रुपया नहीं लगाया गया। वहाँ के हालात इन्होंने खराब करके रख दी। तो ये जो स्थिति है, कुरुक्षेत्र का हालात इन्होंने खराब करके रख दिया, कुरुक्षेत्र के लिए अच्छा नहीं किया। कुरुक्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, कुरुक्षेत्र की जनता विकास चाहती है। 400 पार का नारा दे रहे उधर, 400 पार के नारे में कितनी सीटें आती हैं? 400 पार और कैंडिडेट उधार। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, इनके पास किसी भी तरीके से। नमस्कार, यूनियन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुशील गुप्ता हूं, आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हूं, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हूं, आपका सहयोग मांगने के लिए आया हूं। मिलेगा इनसे बातचीत करने? हाँ कीजिए, बात कीजिए। लगता है आपको उम्मीद है या पिछली सरकार ठीक है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आ गई, इस पर क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए जी, जो पिछली पार्टी थी अब के बदल के दूसरी पार्टी आनी चाहिए, हमारी तो ये राय है जी। गुप्ता साहब आपके बीच में बैठे हैं, इनसे जो जो उम्मीदें हैं बता दीजिए, और ये कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम पूछ भी लेंगे आने वाले वक्त में। मौका देना चाहिए या पिछला सब कुछ सही चल रहा है? मौका तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सरकार पलटनी ठीक रहेगा, पलटनी चाहिए। हाँ बता देंगे, और किसके हाथ में? हमारे हाथ में पलट रहा तो जनता नहीं पलट रही, जनता के हाथ में है। बिल्कुल पलटनी, परेशानी है या सब कुछ ठीक चल रहा है?
परेशानी तो जी देखो सब ने पता है जो परेशानी है सरकार पलटनी चाहिए, पता लगना चाहिए, जो आगे काम करेंगे तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे गुप्ता साहब से? ठीक है जी गुप्ता साहब। कैंडिडेट कैसे हैं? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सही कैंडिडेट चुना है या कोई और बढ़िया हो सकता था? ठीक है अभी नए नए हैं, अभी तो नए नए हैं। आज संजय सिंह की भी जमानत हुई है अभी। खुशी है आपको? हाँ खुशी है। अभी मैं टीवी देख के आ रहा हूँ। सरकार ने हमारी गाड़ियों को चलने का बिल्कुल रोटी रोजगार खत्म कर दिया। ये सरकार को हम नहीं चाहते, नहीं चाहते बिल्कुल भी। गाड़ी कोई भी बार 10 की 10 सीट दे दी। कोई भी इलेक्शन लड़ता है, कोई भी मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, गाड़ी घोड़े वाले के लिए कोई बात नहीं उठाता कोई भी। टोल टैक्स इतना महंगा, ये बात सही है। टोल टैक्स ये देखो करनाल वाला टोल है हमारी 6 और भी बढ़ गए सर अब टोल टोल। हमने पंजाब में 10 टोल हमने खत्म किए। छह टहरी गाड़ी है उसका 615 रुपये टोल है। अभी आप करनाल से हम करौंडा जाएंगे कि 600 रुपये की सड़क खा जाएगी क्या? वह अब उधर लुधियाना से आगे जाएंगे जलंधर जाएंगे 730 रुपये का टोल है। आपकी यूनियन है यहाँ पे? मैं यूनियन है सर, हम ट्रांसपोर्ट महकमे से हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं सर। गाड़ी हम किस दे रहे हैं 40-40, 45-45 हज़ार किस दे रहे हैं? हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आप सोचते हैं इसके बारे में कि ये सरकार क्या है, दूसरी सरकार क्या करेगी? या वो तो कह रहे हैं 400 पार हम कर देंगे। 400 पार में तो इतनी सीटें आ जाएंगी, इनको मौका ही नहीं मिलेगा। इनके पास तो 50 भी पार नहीं होगी, इनके पास तो 50 भी पार नहीं होगी। ये समस्या बिल्कुल ठीक है, ये कुछ कुछ बात कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सच्चाई है। हरियाणा सरकार ट्रांसपोर्टर को लूट के खा रही है। हमने 14 टोल पंजाब में फ्री किए हैं, इनकी बात का पहले ही समर्थन करते हैं। हमारे लीडर साहब ये खड़े हैं, हमारे विधायक जी ये खड़े हैं, अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो हम सारा दूरदर्शन ये हमारे दूर करेंगे। अलग अलग मुद्दे आते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों का ख्याल कैसे रखना होगा? हर वर्ग के लोगों को हम बात बता रहे हैं, हर वर्ग के लोगों की समस्याओं का देख रहे हैं। यहाँ पे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे लठ से बात करी है। किसानों के लठ मारे, सरपंचों के लठ मारे, आशा वर्कर के लठ मारे, ओल्ड पेंशन स्कीम करने वालों के लठ मारे, हर किस्म से हर जगह ये परेशानी का एक सबब बने हुए हैं। तो ये परेशानी जो है वो दूर कर देंगे? बिल्कुल परेशानी दूर करेंगे। जनता की सरकार है वो आपके पास, जनता के वेलफेयर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब इंडिया गठबंधन की टीम हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। चुनौती बड़ी बड़ी कौन सी लगती है आपको लोकसभा इस चुनाव में? देखिए इस चुनाव के अंदर कोई चुनौती मुझे लग नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को खुद बीजेपी वाले चोर समझते हैं, खुद वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री की कई बातों पर चलेंगे। इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आकर चोर कह के गया, कोयला चोर कह के गया, और इस आरोप से जिंदल नवीन अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। वो ये नहीं कह पा रहे कि प्रधानमंत्री गलत बोल के गया। तो वो जब तक जो कांग्रेस 10 की 10 सीट जीते रहे वो भी जीते रहे, उनकी अपनी वोट नहीं है। आज वो अकेले हैं, आज उनके साथ ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। बहुत कोशिश की उन्होंने कांग्रेस के पुराने साथियों से मिले, परंतु उन्होंने कह दिया कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आप पार्टी छोड़ के गए हैं, आप दबाव के अंदर गए हैं, ये दबाव जनता सहन नहीं करेगी। वो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति, उनको शायद दबाव सहन करना पड़े। ये हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, हमें लठ मार रहे हैं, कब तक मारेंगे? और 2 महीने कांग्रेस साथ में मजबूती के साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट मिल रहा है? झाड़ू को हाथ ने मजबूती से पकड़ा, कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी लोकसभा के अंदर काम कर रहा है, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की गुटबाजी का आरोप उन पर लगता है, उसका भी आप पर फर्क हो जाए? कोई गुटबाजी नहीं है। सुरजेवाला का सपोर्ट ज्यादा है, सेलजा का, हुड्डा का, किसका सपोर्ट ज्यादा है? हुड्डा साहब का सपोर्ट भी है। अच्छा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी सपोर्ट है, कुमारी शैलजा जी का भी सपोर्ट है, करण चौधरी जी का भी सपोर्ट है। लगता है गुटबाजी है यहाँ के? नहीं, मुझे नहीं याद है। तो अंदर से थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई एक ग्रुप मेरे लिए काम नहीं करता। मेरे लिए एक भी ऐसा नेता नहीं है, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो काम ना कर रहा। सब काम कर रहा, सब काम करते हैं। अब हमारे जरिए कुरुक्षेत्र की जनता को और 9 विधानसभा सीट जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे एक एक करके अपने पॉइंट? उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति कोरोना फैला आपके बीच में नहीं आया, बाढ़ आई आपके बीच में नहीं आया, शादी हुई आपके यहाँ नहीं आया,
कोई घर में गुजर गया आपके यहाँ नहीं आया, जिस व्यक्ति का फोन करने के लिए संपर्क आपका नहीं है, जो व्यक्ति देश की संसद के अंदर आपकी बात मजबूती से रख नहीं सकता, जो व्यक्ति अपने आप नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि सच्चा आरोप लगाया, वो व्यक्ति कितना मजबूर है। आपको एक मजबूत सांसद चाहिए जो ठोक के लोकसभा के अंदर आपकी बात रखे, आपके परिवार का सदस्य बनकर आपके बीच के अंदर रहे, आपके दुख सुख के साथ ही बने, आपके क्षेत्र का विकास कराए, जो टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं उनको दोबारा बनवाए, जो कुरुक्षेत्र के हिस्से का पैसा देश की अर्थव्यवस्था से कुरुक्षेत्र में ला के लगवाए, वो सांसद आपको चाहिए। और इंडिया गठबंधन ने उस सांसद के रूप में मुझे आपके सामने भेजा है। मैं आपसे अपील करता हूँ, आने वाली 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब, आपको आने वाले वक्त के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो लड़ाई है चुनावी महाभारत है कुरुक्षेत्र की, और इसमें चुनौतियां होती हैं। महाभारत में हमेशा सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीच बाजार चुनावी बात में सुशील गुप्ता साहब, जिन्होंने अपने मन की बात कही है और ये दावा किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस INDIA गठबंधन की जीत होगी, लेकिन वक्त बताएगा क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत चैलेंजेस बाकी हैं। नवीन जिंदल, अभय चौटाला और भी उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में, क्या टक्कर दे पाएंगे देखने वाली बात है। अपडेट के लिए बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।